पानी क्या हुआ? चलो चलो भागो, अरे 5 मिनट और भागने हैं। अच्छा रेस करें। पानी कैसा लग रहा है आपके? चीटिंग करके तो कोई भी जीत जाएगा। ओ प्लीज, हमेशा ही बोलता था। चलेगा? मॉम वेट कर रही होंगी। चलते हैं 5-10 मिनट, थक गए बहुत ज्यादा। ओ लेकिन चलो। हाँ बोलो। तुम मॉम से मेरी ज्वेलरी के बारे में बात करोगे क्या? ज्वेलरी के बारे में क्या बात करनी है? तुम्हें याद है हमारी शादी के टाइम पे उन्होंने मेरी सारी ज्वेलरी रख ली थी? रखी नहीं थी, संभाल के रखी थी। तुम तो ऐसे कह रही हो लाइक शी इज स्टोलन इट फ्रॉम मी। दैट्स नॉट व्हाट आई मीन। और मेरा मतलब है कि भाई की शादी के टाइम पे भी मैंने मांगी थी पर मुझे मिली नहीं थी। व्हाट्स योर पॉइंट वानी? निखिल माय पॉइंट इज कि हमारी शादी को 2.5 साल हो गए हैं एंड 2.5 साल से मैंने अपनी ज्वेलरी देखी भी नहीं है। मैं बस ये कह रही हूँ अगर हम अपने अलग लॉकर ले लेंगे तो उससे हमें मम्मी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। पानी बट एक बात बताओ ना, अगर तुम्हारी ज्वेलरी मॉम के लॉकर में रहे या फिर हमारे लॉकर में रहे, बात तो एक ही है ना। और वैसे भी गेटिंग अ न्यू लॉकर इज यूजलेस। अरे बट कभी ना कभी तो मैं अपनी ज्वेलरी वो पहनूंगी ना। ये पैंडेमिक में तुम कहाँ पहन कर जाने वाली हो अपनी ज्वेलरी? दिवाली है, ओकेजन तो बहुत है। प्लस निखिल वो सेट मेरी नानी ने मेरी मॉम को दिया था और मेरी मॉम ने मुझे, तो वो सेट की वैल्यू है मेरी लाइफ में। और मेरी मॉम तो तुम्हारा वो सेट गले में डाल के घूम रही है राइट? संभाल के ही तो रखा हुआ है ना उन्होंने तुम्हारा वो वैल्यूएबल सेट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हम भी तो संभाल सकते हैं। अरे वानी आई एम नॉट इवन लिसनिंग टू योरसेल्फ यार। तो तुम क्या सजेस्ट कर रही हो कि मैं मॉम के पास जाके बोल दूँ कि वानी को अपनी ज्वेलरी वापस चाहिए? डू यू इवन नो कितना वेट लगेगा ये? और ये सेपरेट लॉकर की बात उन्हें बहुत बुरी लगेगी वानी, कुछ तो सोचो। पर निखिल शादी के बाद दीदी की ज्वेलरी भी उनके पास ही है। अरे वानी तो वो उनका घर है, वहाँ होता होगा ऐसा, हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ ये अलग अलग मेरा तुम्हारा नहीं होता और ये बात तुम्हें अच्छे से पता है शादी के पहले से। सो व्हाई ऑल दिस नाउ? एक तो मेरी मॉम ने तुम्हारी ज्वेलरी संभाल के रखी है, ऊपर से तुम उनके बारे में ऐसी बातें कर रही हो। हाँ अभी नॉर्मल टाइम होता, कहीं जाना होता तो मैं समझता भी, उनसे बात भी करता, बट सीरियसली आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। पर निखिल मुझे कोई ओकेजन की जरूरत नहीं है, लॉकर तो ले लेना चाहिए ना हमें अलग। तुम्हें लॉकर चाहिए या बस अपनी ज्वेलरी उनसे वापस चाहिए? निखिल मैं बस इतना कह रही हूँ कि उस ज्वेलरी से मेरी सेंटिमेंटल वैल्यूज अटैच्ड है, मैं उसे अपने पास क्यों नहीं रख सकती एंड वेयर इट व्हेनेवर आई वांट टू। वानी तुमने एक बार भी मेरी मॉम को सोचा कि उनको कैसा लगेगा? तुम्हें ज्वेलरी चाहिए ना, मैं लाके दूंगा तुम्हें ज्वेलरी मॉम से लेकर, ठीक है? तुम्हें जहां पहननी है तुम पहन लेना, लेकिन बस पहन कर उन्हें वापस कर देना, ओके? उनकी रिस्पेक्ट भी बनी रहेगी और तुम्हें तुम्हारी ज्वेलरी भी मिल जाएगी। पर निखिल ये तो कोई सलूशन नहीं हुआ ना इस चीज का। अरे तो तुम क्या चाहती हो, ज्वेलरी के पीछे अपनी माँ से लड़ जाऊं, घर में लड़ाइयां डाल दूं? निखिल इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज लाइक दैट। तुम्हारी ज्वेलरी मॉम के पास सेफ रखी है ना, तो जस्ट लेट इट बी यार। ये नए लॉकर की बात शुरू करके मैं घर में लड़ाई नहीं करवा सकता ना, इट्स लाइक क्रिएटिंग अ मेस फॉर नो रीजन। पर निखिल एट लीस्ट लिसन टू मी। क्या वाली बहुत है, प्लीज कैन यू गो होम नाउ प्लीज, मॉम वेट कर रही हूं।